इल्तुतमिश की समस्याएं। सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कुतुबी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के सरदारों तथा मुइज्जी अर्थात महमूद गौरी के समय के सरदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। इल्तुतमिश ने इन विद्रोही सरदारों को सफलतापूर्वक दमन किया। 1215 ईस्वी से 1217 ईस्वी के बीच इल्तुतमिश को अपने दो प्रबल प्रतिद्वंदी एल्दोज और कुबाजा से संघर्ष करना पड़ा। 1215 ईस्वी में एल्दोज को तराइन के मैदान में पराजित किया। 1217 ईस्वी में कुबाजा ने इल्तुतमिश को अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश के समय भारत में मंगलों के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ। जब मंगलों आक्रमणकारी चंगेज खान जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आया, चंगेज खान ने इल्तुतमिश के दरबार में एक दूत भेजा और कहा कि वह जलालुद्दीन मांगबरनी की कोई सहायता ना करे। इल्तुतमिश ने मंगोल जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी से बचने के लिए मांगबरनी की कोई सहायता नहीं की। मंगोल आक्रमण का भय 1228 ईस्वी में मांगबरनी के भारत से वापस जाने पर टल गया।